दोस्तों चेन्नई के खिलाड़ियों की छठे दिन की प्रैक्टिस को देखकर आरसीबी वाले भी हैरान हैं और चेन्नई के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मुकाबले में छक्कों की बारिश करके देखने वालों का दिल जीत लिया और खासकर महेंद्र सिंह धोनी का नया अवतार भी प्रैक्टिस मैच में देखने को मिला। आखिर दोस्तों छठे दिन के प्रैक्टिस मुकाबले में क्या क्या हुआ हम बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि चेन्नई की टीम आईपीएल 2024 की ट्रॉफी अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों छठे दिन के प्रैक्टिस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों के अलावा अनुभवी खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला और आरसीबी के खिलाफ दोस्तों हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले तबाही आने वाली है और चेन्नई के फटाकों के सामने आरसीबी की पतलून गीली होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों की छठे मैच के प्रैक्टिस मुकाबले में हाला यानी की महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे दिन शानदार बल्लेबाजी की जिसे देखकर आरसीबी के फैंस भी काफी हैरान हो सकते हैं क्योंकि चेन्नई इस बार पूरी तरह आरसीबी वालों को कुचलने वाली है और आरसीबी के सामने चेन्नई की टीम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है और खासकर दोस्तों चेन्नई के बल्लेबाज चाहे ऋतुराज गायकवाड यानी कि रॉकेट राजा हो या फिर निशांत सिंधु या फिर वो ऑलराउंडर अजय मंडल, इन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी से प्रैक्टिस मुकाबले को रोमांचक बना दिया और हम बताने वाले हैं कि चेन्नई के बल्लेबाजों में से किसने कितने रन बनाए। इसके अलावा प्रैक्टिस मैच में किसकी गेंदबाजी ने तबाही मचाई तो आइए फटाफट जानते हैं। तो दोस्तों छठे दिन प्रैक्टिस मैच में राजवर्धन हंगरगेकर के सामने ऋतुराज गायकवाड़ थे जहां राजवर्धन हंगरगेकर ने शानदार रफ्तार भरी गेंदबाजी की और 40 बॉल फेंक कर 3 बार ऋतुराज गायकवाड़ को आउट भी किया, यानी कि राजवर्धन हंगरगेकर पिछले सीजन के मुकाबले और भी बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करने में लगे हैं। तो वहीं दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी भी खेली और इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जबकि मिस्टर कूल एमएस धोनी ने अपने दूसरे दिन की प्रैक्टिस में 1.5 घंटे तक मैदान पर पसीना बहाया जिसकी तस्वीरें भी चेन्नई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए और ज्यादातर एमएस धोनी बड़े बड़े छक्के लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां धोनी ने 12 बार गेंद को हवाई यात्रा पर भी भेजा। और दोस्तों ये थाला का वर्जन 2.0 है और इस सीजन में नई भूमिका में एमएस धोनी खेलते हुए दिखाई देंगे और देखना भी शानदार होगा कि एमएस धोनी किस नंबर पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस में मुकेश चौधरी ने भी शानदार गेंदबाजी की जबकि इवनिंग के समय चेन्नई के खिलाड़ियों ने कैच पकड़ने की भी प्रैक्टिस की, यानी कि दोस्तों चेन्नई की तैयारियां जोरों पर चल रही है, बस इंतजार है सभी खिलाड़ियों का जो जल्द ही सीएसके कैंप से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चेन्नई की प्रैक्टिस लाइव देखना चाहते हैं तो आप सीएसके टीवी पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप प्रैक्टिस में धोनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हां जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।